चलो तो हम लोग देख रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का हम लोग देख रहे थे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखा, इट इज रिक्वायर्ड टू असाइन ऑल एंड जॉब टू द ऑल एंड पर्सन विद द कंटेंट दैट वन जॉब हैज टू बी असाइन टू वन पर्सन एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व जॉब शुड बी द मिनिमम। इसमें ये वर्ड देखना, ध्यान देने वाली बात थी कॉस्ट, ये वाली वर्ड ध्यान देने वाली बात थी हमारे पास कि कॉस्ट इन्वॉल्व जॉब शुड बी द मिनिमम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले मिनिमम फाइंड आउट करना है, और हमें क्या करना है, जॉब हैज टू बी असाइन टू द वन पर्सन, एक आदमी को एक ही जॉब हमें असाइन करना है। तो नेक्स्ट हम देख रहे थे कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि भाई J1, J2, J3 और J4 हमने एक जॉब है हमारे पास, ए बी सी डी एक पर्सन है, जॉब हमने जो जॉब दे रखा है वो 9, 2, 7, 8 है ना, फिर 6, 4, 3, 7, 5, 8, 1, 8, 7, 6, 9, 4, ये हमने दे रहे, ये हमारे पास क्या है जॉब की वैल्यूज है और पर्सन है। अब कौन सा पर्सन जो जॉब परफॉर्म करेगा, तो हमारे माइंड में ये है कि हमें मिनिमम हमें निकालना है, क्योंकि हमारे है कि जॉब सिक्वेंस प्रॉब्लम में ही दे ही रखा है कि हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालने के लिए हमने क्या किया, हम लोअर बाउंड निकालते हैं। तो इन पूरे पूरे में चेक किया हमने, हमने देखा कि 2 सबसे लोअर है, 2 बाहर निकाल लिया, फिर हमने कहा सबसे छोटा कौन है, 3, तब 3 बाहर निकाल लिया, फिर देखा हमने 1 क्या 1 बाहर निकाल लिया, फिर हमने कहा 4, तो 4 बाहर निकाल लिया, सबका टोटल किया हमने, हमने कहा 10 आया। 10 जो है हमारे वो क्या बन गया, वो बन गया हमारे स्टार्टिंग नोड, हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये स्टार्टिंग नोड है, ये स्टार्ट हो गया, और हमने कहा इसका स्टार्टिंग नोड का लोअर बाउंड जो है वो 10 है, ये देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वापस से हम अब एक एक जॉब पे चलते हैं, स्टार्ट तो हमने कर लिया लोअर बाउंड के साथ 10 के साथ, अब एक एक जॉब के साथ हम चलेंगे कि एक एक जॉब पे क्या आएगा। तो फर्स्ट हमने जॉब देखा कि हम कंसिडर ए पर्सन, हम एक पर्सन को कहना फर्स्ट जॉब, ए फर्स्ट जॉब हु कॉस्ट 9, हम देखते हैं कि फर्स्ट जॉब के जो कॉस्ट है वो 9 है ना, सिंस ए 1 लीव रो एंड कॉलम 1, कैसे करेंगे रो कॉलम रो, हम ऐसे कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट ही फर्स्ट क्या किया कि हमने 9 को सेलेक्ट किया, और 9 के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास रो थी और कॉलम था उसको मैंने हटा दिया, और मीन इसका जो लोअर बाउंड आएगा 9, इसमें से 4, 3, 7 में से लोअर बाउंड कितना है 3, 8, 1, 8 में से लोअर बाउंड कितना है 1, और 9, 6, 4 में से लोअर बाउंड कितना है 4, टोटल क्या मैंने आया 17। तो मैंने कहा कि जो जो फर्स्ट है उसका लोअर बाउंड आया 17। देन आफ्टर हमने क्या किया, फिर उसके बाद वापस आए कि हम ए टू पे गए, मतलब एक ए वन कर लिया हमने, अब ए टू जॉब पे गए, ए टू जॉब पे जाने में उसका रो और कॉलम को ना काटने के बाद में हमने देखा मिनिमम कितना है, तो हमने कहा मिनिमम 2 है, फिर हमने कहा कि भाई 6, 6, 3, 7 में मिनिमम कितना है, 3 है, 5, 1, 8 में से 1 है, और 6, 9, 4 में से 4 है, तो हमने कहा टोटल जो आगे हमारे पास वो आ गया 10। तो हमने कहा कि ए वन जो है उसका हमारे पास जब जब सेलेक्ट करता है फर्स्ट जॉब जब, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 17, और जब वो ए टू करता है, जब ए टू करता है तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास आती है 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, एक सेकेंड, उसका वापस ए थ्री निकाला हमने, हमने ए थ्री निकाला, ए थ्री की वैल्यू 20 आई, सेम सिमिलर ऐसे करके जब हमने क्या किया कि भाई थ्री जो है थ्री वाला वैल्यू को सेलेक्ट किया, बाकी सबको मैंने क्रॉस लगा के, और फिर मिनिमम निकालने की कोशिश की, तो 6, 4, 7 में से 4 मेरा मिनिमम है, 5, 8, 8 में से मेरा 5 मिनिमम है, 6, 8, 4 में से मेरा 4 मिनिमम है, तो मैंने 20 निकाला। तो मेरे पास अब ए थ्री की जो है वो वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, लोअर बाउंड आ गई 20 आ गई मेरे पास, ठीक है। देन आफ्टर वापिस हम करेंगे ए फोर का निकालेंगे, ए फोर का मेरे पास 18 आ गया, फिर उसके बाद मैं इसका ट्री स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ट्री का यदि मैं पूरा ऑफिस से बनाने की कोशिश करता हूं मैं, तो ऐसा बनेगा कि भाई पहले फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा, स्टार्ट नोड, स्टार्ट नोड जो होगा तुम्हारा उसमें हमने निकाल रखा है कि स्टार्ट नोड जो है उसमें लोअर बाउंड जो है उसकी कितनी है 10 है, फिर उसके रिस्पेक्टिव ए वन ए टू और ए थ्री ए फोर निकालेंगे कि हमारे पास वापिस से वैल्यू है, ये जो तुम्हें देख रखा है वो सेम वैल्यू, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू और ए फोर इक्वल टू, देन इन सबकी वैल्यू हमने निकाल लिखी, लोअर बाउंड निकाल लिखी है 17, देन निकाल लिखी है 10, देन निकाल लिखी है 20, देन निकाल लिखी है 18। तो हमने कहा कि भाई सबसे मिनिमम कौन सा है, तो हमने कहा ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम है, मतलब कि जो हमारा पर्सन है वो जे टू जॉब परफॉर्म करेगा, तब जे टू जॉब परफॉर्म कर लेगा वो, उसके बाद नेक्स्ट टू भी क्या करेगा, नेक्स्ट टू अब हम चलेंगे बी में, बी में हम ही कहेंगे कि ए टू वाला जॉब तो परफॉर्म कर चुका है, ए टू को तो हमेशा काट के रखो,
कि भाई हमने जो जॉब ए है वो जॉब सेकंड परफॉर्म कर चुका है तो कट के रहेगा, अब हम करेंगे बी के लिए। जब बी के लिए हम करेंगे तो हमें कहेंगे कि भाई टू तो ऑलरेडी है, अब हम ये सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्रॉस कर दोगे, सिक्स बाहर निकालोगे, इसमें से वन बाहर निकला, इसमें से फोर बाहर निकला, 13 आया। तो हमने कहा कि जब 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 बी है वो फर्स्ट फर्स्ट जॉब देखता है, फर्स्ट जॉब उसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट जो है वो सिक्स है, तब उसकी जो लोअर बाउंड आएगा वो आएगा 13। हमने कल निकाला था इसको कि 13 आया। देन आफ्टर वापस से हम क्या करते हैं, A3 के लिए निकालते हैं, तो हमने कहा कि वो आया हमारे पास 14। अब कहोगे कि B2 के लिए क्यों नहीं निकाला, तो B2 ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, मतलब जॉब 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, जॉब 2 जो है वो A वाला पर्सन कर रहा है, तो इसलिए हम जॉब 2 वापस ले नहीं सकते हैं, हम जॉब 2 को स्किप करते हुए जॉब 3 लिखेंगे, देन जॉब 4 देखेंगे। हमने जॉब 4 देखा, हमने जॉब 4 देखने के बाद हमने उसकी कॉस्ट निकाली सेम उसी रूल से, ठीक है, जॉब 4 के सेम रूल है, वापस ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, कि हमने क्या क्या मैट्रिक्स बनाई, फिर हमने 9, 2, 7, 8 यहाँ J1, J2, J3, J4 यहाँ पे लिखा हमने 6, 4, 3, 7, 7 फिर लिखा हमने 5, 8, 1, 8 फिर लिखा हमने, फिर लिखा 7, 7, 6, 9, 4 हमारे पास ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है जेब टू, तो ये तो हमेशा कट ही जाएगा। फिर इसके बाद हमने कहा कि अब हम सेलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, 4 वाला सेलेक्ट कर रहे हैं हम, हमने 4 सेलेक्ट करेंगे तो हम साथ क्या करेंगे कि हमने ये 4 वाला ये 4 सेलेक्ट किया हमने, तो 4 के साथ में ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये 7 बाहर आएगा, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, यहाँ पे 1 और 5 में से 1 बाहर आएगा और यहाँ 7 बाहर आएगा, तो आएगा कितना 17। तो हम कह रहे हैं कि लोअर बाउंड जो है हमारा वो 17 आ गया। जब 17 आ गया हमारा तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं 17 आने के बाद जो ट्री बनेगा वो ट्री ऐसे बनेगा, स्टार्ट नोड ऑफिस से स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद लोअर बाउंड जो है वो 10, इसके साथ 4 है, फर्स्ट वाला जो है उसके वो A1 के लिए है, फिर ये A2 के लिए है, फिर A3 के लिए है, फिर A4 के लिए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए और A4 के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे लोअर बाउंड जो है वो 17, लोअर बाउंड जो है वो 10, लोअर बाउंड जो है वो 20, लोअर बाउंड जो है वो 18, ठीक है। हमने कहा ये तो कोई हम सिलेक्ट कर नहीं रहे, हमने ये सिलेक्ट किया, तो हमने जब ये सिलेक्ट किया तो हम बी के लिए कहेंगे हमारे पास 3 वैल्यू आई बी के लिए, क्योंकि फर्स्ट 3 वैल्यू इसलिए आए कि एक जॉब ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे हम B1, फिर लिखेंगे B3, 2 तो सिलेक्ट हो चुका है, एंड B4, ठीक है। उसके लिए लोअर बाउंड जो आई हमारे पास वो आई है 13, लोअर बाउंड आई है 14 और लोअर बाउंड जो आई है वो आई है 17। तो हम कहेंगे कि भाई ये सिलेक्ट होगा, ये बाकी 2 सिलेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे पास अब जो जॉब ऑक्यूपाइड हो गया ए के लिए तो जॉब ऑक्यूपाइड हो गया 2 सेकेंड वाला जॉब, और बी के लिए जो हो गया वो फर्स्ट वाला जॉब, अभी मेरे पास 3 और 4 जॉब बाकी है। तो हम आप इसे नेक्स्ट करेंगे, हम उसे लिखेंगे कंसीडर ए पर्सन, ऐसे लिखेंगे कंसीडर पर्सन सी के लिए कौन सा जॉब लेना है, लिखेंगे हम लेट सी इक्वल टू 3। 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास जो है 1 और 2 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब बचा है 3, 4, इसे डायरेक्ट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लिखेंगे where cost, अब 3 के लिए मैट्रिक्स का तुम अभी चेक करोगे तो 3 का जो आएगा वो आएगा 1, कॉस्ट 1 आएगा, 1, 2 हटा दो, जॉब 3 का सी का 3 जो कॉस्ट है वो 1 है, ठीक है। तो नाउ लिखेंगे नाउ लीव रो सी एंड कॉलम 3। कैसे लीव करेंगे हम, वापस से मैट्रिक्स बनाएंगे हम, मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ देखो मैट्रिक्स बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनाया और यहाँ पे मैट्रिक्स में हम कहेंगे 9, 2, 2 को हम गोला लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट है ये, 7, 8,
तो ये लिखेंगे यहाँ पे सिक्स, सिक्स ऑलरेडी सेलेक्ट है क्योंकि हमारे इसके लिए बी बी के लिए जो फर्स्ट जॉब हमारा सेलेक्ट हो गया था और ए के लिए सेकंड जॉब सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, तो इसलिए गोला लगा दिया मैंने। फिर लिखेंगे यहाँ पे 4 3 7, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 8 1 8, फिर लिखेंगे 7 6 9 और 4, ठीक है, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गया तो ये तो पूरे कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। जब ये भी सेलेक्ट हो गया तो ये पूरे कट जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। हमने सेलेक्ट किया वन को, यहाँ से वन जब सेलेक्ट करेंगे तो वन को हम ये करके और वन को भी हम क्या करेंगे काट देंगे, यहाँ से सब कट जाएगा। तो यहाँ से तो आएगा टू तुम्हारे बाहर, यहाँ से आएगा सिक्स, यहाँ से आएगा वन और यहाँ से बचे ही तुम्हारे पास फोर, तो यहाँ पर आएगा एल बी जो आएगा वो आएगा 13। तो हमने कहा कि जो सी और डी है, तो हमने कहा कि जो कोस्ट है हमारे पास सी थ्री का कोस्ट जो आया 13 आया, तो सी थ्री का 13 आया तो लिखेंगे लेट लेट सी फोर, सी फोर वेयर वेयर कोस्ट, वेयर कोस्ट इक्वल टू 8। तो कोस्ट इक्वल टू 8 आया तो नाउ लिखेंगे नाउ नाउ लीव, नाउ लीव रो रो सी एंड सी एंड कॉलम कॉलम 4, ठीक है। तो फिर से वापस बनाएंगे हम बनाएंगे ये, ठीक है, बनाने के बाद हम जानते हैं कि 9 2 गोला आएगा 7 8 6 4 3 7 5 8 1 8 7 6 9 4। हमें पता है कि ये जॉब सेलेक्ट हो चुका है, ये स्लॉट सेलेक्ट हो चुका है, तो ये काट दो वापस, ये काट दो, ये सेलेक्ट हो चुका है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये सब कट जाने के बाद में हम अब यहाँ पे आए, तो हमने कहा कि इसका जो कोस्ट है वो 4, मतलब कि हमने ये जो है वापस से सब काटा तो यहाँ पे हमारे पास 8 वाला कोस्ट आया इसका, 4 वाले का 8, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब बाहर तुम्हारे जो आएगा वो आएगा यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 8 और यहाँ से 9। हमने काउंट किया तो आया 25 आया। तो हम वापस इस ट्री पे जाते हैं, हम इस ट्री में देखेंगे हम वापस जो ट्री का यहाँ से इस लेवल से ट्री बनेगा, इस लेवल से ट्री बनेगा, उस ट्री को हम यहाँ पे और एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड ऐसे करेंगे कि देखो ये ट्री ऐसे एक्सटेंड होगा कि ये वाला इससे क्या जाएगा, तुम्हारे पास दो चीज़ें आएगी, एक आएगा तुम्हारे पास सी, सी जो है वो जब हम 3 लेते हैं और सी जब हम 4 लेते हैं, सी 4 जब लोअर बाउंड आएगा वो आएगा 13 आएगा इसका, लोअर बाउंड आएगा 25 आएगा, 25 तो ले नहीं सकते हो, तो 13 हमने सेलेक्ट किया, तो 13 हमें सेलेक्ट किया, तो अब तुम्हारे पास बच क्या गया, अब तुम्हारे पास एक ही नोड बच गया, वो है D4, ठीक है, D4 बच गया। तो हम कह सकते हैं D4 का जो लोअर बाउंड है वो 13 आता है, उसे हम इसे चेक करके, तो हमारा जो जॉब सेलेक्ट होगा वो जॉब हम इसे लिख सकते हैं कि ए का जो जॉब सेलेक्ट हुआ है, ए ने जो जॉब सेलेक्ट किया है वो जॉब सेलेक्ट किया है 2 नंबर का, बी ने जो सेलेक्ट किया है वो 1 नंबर का, सी ने जो सेलेक्ट किया है, सी ने कौन सा जॉब सेलेक्ट किया है, सी ने किया है 3 नंबर का, और जो डी बचता है वो जॉब सेलेक्ट करता है 4। जब ये जॉब सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिनिमम आंसर आएगा, जो कि हमारा डेफिनेशन यही कह रहा था हमें। तो ये जो गया जॉब सीक्वेंस विथ यूजिंग ए असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो होता क्या है क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो द क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कूपर्स एंड बेंचमार्क इन 1977 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकेशन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। देन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड्रेटिक असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन ए फैसिलिटी टू द एंड लोकेशन इन सच ए वे एज द मिनिमाइज द असाइनमेंट कॉस्ट। द असाइनमेंट कॉस्ट इज द सम ओवर ऑल पेयर ऑफ द फ्लो बिटवीन द पेयर ऑफ फैसिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देयर असाइनिंग लोकेशन।
कह सकते हैं इट अराइज इन द सिचुएशन वेयर वी वी कांट असाइन जॉब टू द पीपुल इंडिपेंडेंटली बिकॉज आउटपुट ऑफ द वन जॉब मे बी द यूज बाय द अदर जॉब सच जॉब आर कॉल्ड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें क्या है कि मान लो इसमें है क्वार्टरिक. क्वार्टरिक मतलब होता ही है कि हम क्या कर रहे हैं क्वार्टरिक में कि कभी कभी क्या करते हैं हम किसी एक पर्सन को एक जॉब ना देके हम कुछ क्या करते हैं कि कुछ क्वार्टर्स में देते हैं उन्हें कि भाई आधा जॉब तुम करो आधा जॉब तुम करो. तो क्वार्टरिक असाइनमेंट प्रॉब्लम इसी के लिए कहते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यस ये वर्ड देख पा रहे होंगे तुम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंड वर्ड में हम कह सकते हैं इट अराइज इन द सिचुएशन वेयर वी कांट असाइन जॉब टू द पीपुल इंडिपेंडेंटली बिकॉज आउटपुट ऑफ वन जॉब मे बी द यूज ऑफ बाय द अदर जॉब सच जॉब आर कॉल्ड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इसकी डेफिनेशन हम वापस मैंने तुम्हें बोला फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या इसके ये डेफिनेशन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है. इट अराइज इन द सिचुएशन वेयर वी कांट असाइन जॉब टू द पीपुल इंडिपेंडेंटली बिकॉज आउटपुट ऑफ वन जॉब मे बी यूज बाय द अदर जॉब. ठीक है अब क्या कहानी क्या आएगी क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम में. सेकेंड हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपुल टू असाइन ए सेट ऑफ फैसिलिटी टू द सेट ऑफ लोकेशन इन सच ए वे एज टू द मिनिमाइज द टोटल असाइनिंग कॉस्ट द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ फैसिलिटी इन ए फंक्शन ऑफ द फ्लो बिटवीन द फैसिलिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें कुछ फंक्शंस क्या यूज होंगे वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. देखना है इसमें कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं. हम कहेंगे इट द ना द क्यू क्यू ए पी क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन थस बी रिटन एस ए इक्वल टू ए आई ऑफ जे एंड द डिस्टेंस मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे the quartic assignment problem can thus be written as कैसे written as होगा gamma subset of s and c cost जो होगा वो होगा सिग्मा I इक्वल टू वन से लेकर I इक्वल टू वन n तक एंड a ऑफ पाई I और पाई j b i j. ठीक है ये होगा इसमें वेयर लिख सकते हैं यहाँ पे where Sn is the set of permutation or a of pi I or pi j or b I j equal to individual person cost by assigning facility pi i to locate I and facility and I and facility pi j to location j
तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या है क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने कहा कि क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, एक जॉब को एक आदमी को असाइन नहीं करके हम उसे क्या करते हैं, एक शेयरिंग वे में करवाते हैं। तो शेयरिंग वे में कराते हैं, हमारे पास फॉर्मूला बन के आया कि सबमिशन कैसा होगा। तो हमने कहा कि ये क्या है, हमने कहा कि एक पर्सन इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो आई लोकेशन पर क्या परफॉर्म करता है और जे लोकेशन पर क्या परफॉर्म करता है, ठीक है, उसका हमें सबमिशन चाहिए और सेट ऑफ परमुटेशन चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम कहते हैं क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो उसकी डेफिनेशंस क्या होगी इसके। तो हम कह सकते हैं व्हेन द टाइम ऑफ कंप्लीट और द कॉस्ट कैन बी राइटन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज कॉल्ड अ कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉस्ट मैट्रिक्स निकालेंगे तो सीआईजे निकलता है, और सीआईजे निकालने के लिए फिर से हम एक फॉर्मूला हमारे पास सीआईजे निकालने के लिए कि हम कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो सीआईजे इक्वल टू होता है, सीआईजे इक्वल टू होता है सिग्मा सिग्मा आई इक्वल टू वन और जे इक्वल टू वन एन एन सी आई जे और एक्स आई जे, जहाँ पे एक्स आई जे जो है वो क्या है यहाँ पे और सी आई जे क्या है। तो सी आई जे जो है वो कोस्ट है, ये कोस्ट मैट्रिक्स है, और एक्स आई जे जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करता है। एक्स आई की वैल्यू जीरो या वन आएगी तो हम लिख सकते हैं कि एक्स आई जो है या तो आएगा वन या आएगा जीरो। वन कब आएगा, वन तब आता है इफ आइथ पर्सन इज असाइनिंग जेथ जॉब, if ith person is assigning jth job, तब हम कहते हैं jth job, तब कहते हैं वन आएगा अदरवाइज जीरो आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इतना घबराने की बात नहीं है, सिंपल है इसका कि कैसे कैसे परफॉर्म होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल है इसका, आगे कुछ इसका है नहीं। तो अब हम समझ सकते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में जॉब सीक्वेंस प्रॉब्लम पढ़ी, देन क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने देखा कि क्वार्टिक असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअल एक पर्सन को हम एक जॉब ना देखें, हम उसको शेयरिंग वे में करवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी और असाइनिंग कैसे होगा। देन